इंडस्ट्री के लिए नाजुक वक्त है, विदेश से मांग घटी है और देसी कंज्यूमर ने खर्च घटाया है, लेकिन मुश्किल की ऐसी ही घड़ी में कंपनियों की असली परीक्षा होती है। पहली तिमाही के आंकड़े इसी परीक्षा के नतीजे होंगे। कैसे रहेंगे ये नतीजे? क्या कॉर्पोरेट इंडिया ये टेस्ट पास कर पाएगा? क्या हमारी दिग्गज कंपनियां निवेशकों को किस्मत से ज्यादा देंगी? इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी के इस तिमाही के आने वाले नतीजों के बारे में। पहली तिमाही के नतीजे कैसे आएंगे, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल। एंजल ब्रोकिंग में फंड मैनेजर पी फणी शेखर, शेयर खान में रिटेल बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमांग जानी और क्रिसिल रिसर्च के डायरेक्टर राहुल प्रथियानी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत राहुल आपके साथ करना चाहूंगा, इस तिमाही में क्या अंदाजा है क्रिसिल का, किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियों की अगर बात करें तो? सी, हमने जो अराउंड 505 कंपनीज का जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से रफली रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो हम 5-6% की ग्रोथ ही देखते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरी 7-8 क्वार्टर जहां पे वी हैव सीन कंटिन्यूस नीचे की ओर डिक्लाइंस होते आ रहे हैं, अभी ये अरेस्ट हुआ है। Q4 में अगर हम देखें तो 4% हमारी एक्सपेक्टेशन 4% ग्रोथ था, रेवेन्यू ग्रोथ। अभी वो थोड़ा इम्प्रूव हमने एक्सपेक्ट किया है कि इट विल बी अराउंड 5-6%। एज फार एज द मार्जिन्स आर कंसर्न, वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहेंगे और बॉटम आउट हो गए हैं, हालांकि सम सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू सी सम पेन। फनी, यहाँ पर पिछले 12 तिमाहियों से लगातार ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है, खासतौर से सेल्स या रेवेन्यू या आय की बात करें तो, क्या आपको लगता है ये तिमाही वैसा ही ट्रेंड दिखाएगी या फिर कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? जी, लगभग हमने जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले 2 सालों में देखा है, मुझे लगता है कि वही ट्रेंड लगभग कंटिन्यू होगा। तो और इसमें किसी को कुछ खास निराशा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आशा और निराशा एक बहुत रिलेटिव टर्म्स हैं। ऐसे कुछ चंद सेक्टर्स हैं जहां पे कि शायद निवेशकों से ज़्यादा एनालिस्ट को लग रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत निराशा होगी, पर मोटे तौर के ऊपर अर्निंग्स जिसे कि हम लैक लस्टर कहेंगे उसी प्रकार के रहेंगे। और ज़्यादा आंखें इस बात पर टिकी होगी क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी सारी नॉइसेस आ रही हैं कि दिसंबर से जो है आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 15 दिन में हमने क्लियर किए हैं और आप अभी उसका इफेक्ट इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मोबिलाइजेशन में समय लगता है। तो ये समझना दिलचस्प होगा कि क्या कॉरपोरेट्स वाकई में ये मोबिलाइजेशन में जुटे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये आउटलुक और कमेंट्री के अलावा बाकी अर्निंग्स में कुछ खास मजा नहीं है इस बार। लेकिन हेमांग, आपकी रिसर्च क्या कह रही, किस तरह की परफॉर्मेंस इस तिमाही में कंपनियां पेश करेगी और क्या कहीं कोई सुधार के संकेत आपको दिख रहे हैं? देखिए, अगर सेंसेक्स और निफ्टी कंपनी की बात करें तो जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो करीब करीब 5-6% की रहेगी और पिछली तिमाही में हमने देखा था कि मार्जिन में कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ सेक्टर्स में दिखा था, पर ये पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि रुपी में करीब करीब 1.25% का हमने फॉल देखा है, तो जो कंपनीज इम्पोर्ट ज़्यादा करती है उसके जो मार्जिन है उस पर हमको काफ़ी प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और काफ़ी सारी जो कंपनीज है जहाँ पे लोन का कंपोनेंट या SECB का कंपोनेंट ज़्यादा है, वो रुपी की वॉलेटिलिटी के कारण वहाँ पे भी हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम समझते हैं कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनी का, वो करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव आएगा। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो अगले साल का जो ग्रोथ 7-8% की लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें भी हम समझते हैं कि ये तिमाही के नतीजों के बाद उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा हेमांग, वो ये कि रुपया इस तिमाही में 9.5% तकरीबन कमजोर हुआ है और जाहिर सी बात है कि रुपए की कमजोरी का कुछ सेक्टर्स को फायदा, कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी होगा। लेकिन डायरेक्टली जो हम समझ कर चलते हैं कि IT एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आया, हेमांग ये बताइए कि आपको लगता है कि कहीं कोई पॉजिटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं IT सेक्टर से, और यदि हाँ तो कहाँ होंगे वो सरप्राइजेस, दिग्गज कंपनियों में या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में जहाँ पर हेजिंग 1-on-1 यानी कि 100% नहीं रहती है? देखिए, ये तिमाही के अंदर जो IT कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनीज को पर्टिकुलरली रुपी की कमजोरी की वजह से जो मार्जिन है उनके उसमें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर एट द सेम टाइम जो क्रॉस करेंसी की जो मूवमेंट है उसमें उनको कहीं पे नुकसानी भी होगी। बट ओवरऑल हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो IT कंपनीज हैं
उनके जो मार्जिन है वो करीब करीब 75 to 150 बेसिस पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट हमें नजर आएगी। फनी, फार्मा शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा, जो जनरली एक्सपोर्ट करते हैं और उन्हें भी रुपए की कमजोरी से फायदा होना चाहिए, क्या कहीं सरप्राइजेस आने की आप उम्मीद कर रहे हैं? यदि हाँ तो कौन से स्टॉक्स इस स्पेस में आपके रडार पर हैं जहां पर रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग या बेहतर हो सकते हैं? देखिए, सरप्राइजेस फार्मा में क्या आ सकते हैं? अगेन मैं इस वर्ड सरप्राइज को क्वालिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि ये रुपया जो है ये कल या परसों कमजोर नहीं हुआ है, पूरे तिमाही में कमजोर होता गया है। तो उसके चलते जो है मार्केट ने अपने एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी सेट कर लिए हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है 60 का पूरा फायदा फार्मा या आईटी कंपनियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हेजेस पे काम करते हैं। तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि 56 या 57 का रेट रियलाइज होगा इस तिमाही के अंदर, और बाकी का जो है आप देखेंगे कि फॉरेक्स लॉस के तहत कहीं ना कहीं आएगा। तो रेवेन्यू में आपको विंडफॉल दिखेगा, उतना आपको जो है प्रॉफिट्स में नहीं दिखेगा। तो फार्मा के अंदर खासकर जो मध्यम साइज की कुछ बेहतर फार्मा कंपनियां हैं, जैसे ग्लेनमार्क है या दिवीस है, ल्यूपिन है, इस प्रकार की कंपनियों में आप ज्यादा फायदा देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप डॉक्टर रेडीज को देख लें या सन को देख लें, इनको ज्यादा फायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू सिप्ला एंड रेनबैक्सी। लेकिन राहुल, जिस तरह से एक और स्पेस जो काफी इंटरेस्टिंग रही थी पिछली तिमाही में, वो थी पीएसयू बैंक से। इनफैक्ट दो तीन तिमाहियां ऐसी रही है पीएसयू बैंक में जहां पर रिजल्ट्स बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। कब किस में किस तरह के एनपीएस आएंगे, किस तरह के रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स होंगे, ये एक अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। आपकी फर्म ने, क्रिसिल ने काफी बड़ी रिसर्च इस सेक्टर के लिए की है, क्या आपको संकेत मिल रहे हैं पीएसयू बैंक्स के नतीजे किस तरह के हो सकते हैं इस बार? सी, अगर पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ रिलेटिवली वीक रही है, अराउंड 13-14%। बट क्लियरली जैसे आपने बोला, ज्यादा बड़ी कंसर्न इज ऑन एसेट क्वालिटी, वो हम देख रहे हैं कि इनके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए थे एट 3.6%, बट इन सब एसेट्स हैवीली बैड एसेट्स होने के कारण उनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिस्पाइट हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 13-14%। हम लोग देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट खाली 3% बढ़ा। सो इसकी वजह से देर इज ऑल्सो सीम्स टू बी सम प्रेशर ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। इन दोनों वजहों के चलते थोड़ा रिजल्ट्स में रिजल्ट्स इन कंपनीज के अंडर प्रेशर ही रहेंगे, और ऑल्सो एनपीएस भी जैसे आप देख रहे हैं इकोनॉमी में डिमांड अभी तक काफी वीक है, सो और एनपीएस बढ़ने के भी आशंका है। चलिए, एनपीएस अब भी यहां से बढ़ सकते हैं और फिलहाल किसी तरह की क्रेडिट ग्रोथ में बेहतरी होने की उम्मीद नहीं, तो पीएसयू बैंक्स जो कमजोर नतीजे पेश करते आए शायद अब भी वहां पर कमजोरी देखने को मिले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्पेस है और नतीजों के सीजन के शुरुआत में जहां से बेहतर नतीजे आते दिख रहे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कैसे रहेंगे नतीजे और कौन से बैंक्स ऐसे हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस से जो देंगे बेहतर नतीजे, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामान्यतः होता ऐसा है कि रिजल्ट सीजन की शुरुआत मजबूती के साथ होती है और जो सेकंड हाफ होता है यानी कि बाद में देर से जो रिजल्ट्स देती है वो कंपनियां कमजोर नतीजे पेश करती है। और रिजल्ट सीजन की शुरुआत में नतीजे आते हैं आईटी कंपनियों के और साथ ही बैंक्स के, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पीएसयू बैंक से कोई खास उम्मीद है नहीं, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यहां पर अच्छे नतीजे के साथ अपनी शुरुआत करेंगे? फणी, आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या उम्मीद की जाए, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वही 25-30% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर करना ठीक रहेगा? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर भी आपको जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो मध्यम साइज के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने पिछले, अगर आपने इनके ग्रोथ पैटर्न देखा होगा तो बहुत ज्यादा इनका यील्ड ऑन एडवांसेस हाई रहा है, और उस तमाम प्रकार की जो प्रोडक्ट्स थी या अनसिक्योर्ड लेंडिंग या गोल्ड लोन, वहां पर रिस्क बढ़ रहा है और कुछ रेगुलेशंस भी बढ़ी है। तो जिसके चलते आप देखेंगे कि मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी प्रेशर बना रहेगा, लेकिन जो बड़ी साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनकी प्रोविजनिंग ठीक ठाक रही है। हालांकि एसएमई सेक्टर को लेकर जरूर इन पे दबाव रहेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक्स जनरली ये बेहतर नतीजे पेश करेंगी और 15-16% की आप इनमें एडवांसेस की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद मोर और लेस स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो मोटा मोटी ये आपको निराश नहीं करेंगे।
राहुल, अच्छी ग्रोथ की उम्मीद हम एफएमसीजी स्पेस से भी कर रहे हैं और अब तक का लगभग डबल डिजिट के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिख रही है, प्रॉफिट भी काफी अच्छे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है इतने बढ़े हुए बेस पर एफएमसीजी कंपनियां इस तिमाही में भी अच्छे नतीजे पेश कर पाएंगी, क्या आपको लगता है? हाँ, हमें भी ऑन द रेवेन्यू ग्रोथ एफएमसीजी कंपनियों से अराउंड 15-16% ग्रोथ की आशा है। यहाँ पे ऑल्सो इन फॉर एफएमसीजी कंपनीज एक और चीज़ हुई है कि इनपुट प्राइसेस थोड़े कम हुए हैं, स्पेशली फॉर पाम ऑयल, सो उसका भी थोड़ा बेनिफिट हमको दिखता है, सो वो बेनिफिट थोड़ा मार्जिन्स को भी मिल सकता है। सो डिस्पाइट अच्छी ग्रोथ के बावजूद ये सेक्टर्स में अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है। लेकिन हेमंग, आप क्या देखेंगे, एफएमसीजी कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करेंगे या फिर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर, और खासतौर से आईटीसी लीवर जैसी कंपनियां जो काफी महंगे वैल्यूएशंस पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, क्या वहां पर गलती की गुंजाइश बहुत कम है? सी, डेफिनेटली सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं, बिकॉज पिछले एक या दो क्वार्टर से हमने देखा था कि एचयूएल जैसे कंपनी में भी जो ग्रोथ है वो 15% से कम होकर करीब करीब 8-9% हो गया था। हम समझते हैं कि ये क्वार्टर में अगर वॉल्यूम ग्रोथ 10% से कम आता है तो डेफिनेटली एक निराशाजनक होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये पूरा जो सेक्टर है काफ़ी अच्छी तरह से चला है और कुछ कुछ जगह पे मार्जिन की भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। पर मैं समझता हूँ कि कुछ जो निश कंपनीज है जैसे मैरिको है या बजाज कॉप है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, तो हम समझते हैं कि वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज आने की उम्मीद है। लेकिन अब आप फोकस करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों पर जिनके कारोबार सीधे तौर पर इकोनॉमिक हालात से जुड़े हुए हैं। फनी, यहाँ पर आपसे राय लेना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर, क्या लग रहा है आपको, क्या बुरा वक्त जो अब तक चल रहा है, कंपनियां एक के बाद एक प्रॉफिट तो छोड़िए लॉस दर्ज करती हुई दिख रही है, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद आप यहां पर कर रहे हैं? कोई ऐसी कंपनियां जो वाकई में जरूरत से ज्यादा खराब प्रदर्शन कर सकती है इस तिमाही में? प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा आपने सही फरमाया, पिछले चार तिमाहियों में रहा है, नुकसान आएगा और नेटवर्थ इरोजन होगा और मुझे लगता है कि शेयर प्राइस पे और नीचे दबाव पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है इस समय, हालांकि शेयर प्राइसेस अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे बहुत सारे निवेशकों को, लेकिन बैलेंस शीट डैमेज काफ़ी हुआ है और फिर वही मांग होगी कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो जाएंगे तो बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होना है नहीं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जो दुस्थिति है वो जो की त्यों बनी रहेगी। सीमेंट, इस पर राय लेना चाहूंगा हेमंग आपसे, क्योंकि थोड़ा सा मॉनसून भी पहले आता हुआ दिखा इस बार जून की शुरुआत में ही, और जिस तरह के डिस्पेचेस नंबर दिख रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसा कम्फर्ट देने वाले संकेत नहीं है, क्या लग रहा है सीमेंट कंपनियां काफी खराब प्रदर्शन दिखाएंगी इस बार? डेफिनेटली ये क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा सीमेंट कंपनीज के लिए, और हमारी जो एनालिसिस है वो ये बताती है कि 25-30% का जो गिरावट है अर्निंग्स में वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल जो वॉल्यूम या डिस्पैच का जो ग्रोथ है वो काफ़ी म्यूटेड रहा है और जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी बड़े हैं और डीजल के जो दाम है वो बड़े हुए हैं, तो उसके कारण काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर जो तिमाही है वो ज्यादातर सीमेंट कंपनीज के लिए खराब रहेगी। राहुल, आपसे ऑटो शेयरों पर राय लेना चाहूंगा, इनफैक्ट ऑटो स्पेस पर आपसे राय लेना चाहूंगा, दोनों ही फोर व्हीलर और टू व्हीलर कंपनियां और साथ ही कमर्शियल व्हीकल के कारोबार वाली कंपनियां, जिस तरह से लगातार इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कट भी कहीं कहीं हो रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलग अलग तरीकों से, क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ इन कंपनियों की आती हुई दिखेगी इस तिमाही में? जैसे आपने बताया वॉल्यूम्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन द इंटायर ऑटो स्पेस, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, इवन वी हैव सीन प्रेशर ऑन कार्स आल्सो। सो इन दिस स्पेस वी आर एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम प्रेशर की वजह से टॉप लाइन पे बहुत प्रेशर बना रहेगा एंड वील बेयरली सी आई मीन एनी ग्रोथ इफ एट ऑल, चांसेस डी ग्रोथ होने के भी हैं। ऑन द मार्जिन फ्रंट स्पेशली कमर्शियल व्हीकल स्पेस इज क्वाइट कंसर्निंग, वहां पे अराउंड 250 बेसिस पॉइंट मार्जिन कम होने के आसार है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑन द कार्स फ्रंट येन अप्रिसिएशन की वजह से कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है, बट ओवरऑल मार्जिन प्रेशर में ही रहेंगे क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा वीक है।
जी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे दो चीजों पर। एक तो कुछ ऐसे सेक्टर्स जो निफ्टी में और सेंसेक्स में अपना बड़ा हिस्सा रखते हैं, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, मेटल जैसे, इनके नतीजे कैसे रहेंगे, और साथ ही दूसरा नतीजों के पहले कौन से स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी या बिकवाली के मौके हैं, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स इस ब्रेक के बाद। पहली तिमाही के नतीजों पर हमारी ये खास चर्चा, और हमारे साथ तीन मेहमान हैं, पी फणीशेखर और हेमांग जानी, और साथ ही क्रिसिल रिसर्च के राहुल पुथियानी भी। राहुल, एक और स्पेस जिस पर नजर आएगी इस बार वो है टेलीकॉम की। किस तरह की ग्रोथ का अंदाजा आप लगा रहे हैं, क्या इस बार, पिछली तिमाही में मिले जुले नतीजे दिखे थे, कुछ कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए, क्या इस बार स्थिति और बेहतर हो सकती है यहाँ पर? टेलीकॉम सेक्टर में हमें लगता है कि 8-9% की आपकी टॉप लाइन ग्रोथ होगी, एंड मार्जिन्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे हमें लगता है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रहे हैं, ऑल्सो हमें डेटा आरपूस इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके चलते आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अराउंड 40-50 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। जी, ऑयल एंड गैस स्पेस की दो कंपनियाँ फनी, खासतौर से ONGC और रिलायंस, ये दोनों वजन अपना काफी रखती है सेंसेक्स निफ्टी में, लेकिन स्टॉक नतीजों पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाते नहीं है। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय बन रही है, किस तरह के नतीजे रहेंगे? देखिए, अंडर रिकवरीज बड़ी हैं इस क्वार्टर में रुपी डिप्रिसिएशन के कारण मेनली, तो आप OMCs पे इसका असर देखेंगे। जहां तक ONGC का सवाल है, एक तरीके से देखा जाए तो क्वार्टरली नतीजे OMCs के लिए और साथ ONGC के लिए भी बेमानी होते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो सब्सिडी शेयरिंग है वो साल के अंत में डिसाइड होती है, तो हम क्वार्टरली रन रेट को किसी भी तरीके से एनुअलाइज नहीं कर सकते हैं। और सब्सिडी मुझे लगता है कि इन कंपनियों के गले में ज्यादा डाली जाएगी इस बार, क्योंकि सरकार ने अपना फिस्कल डेफिसिट संभालना है, तो उसके चलते जो है निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। जहां तक रिलायंस का सवाल है, ये स्टॉक में अभी उम्मीद ज्यादा बनी हुई है, लेकिन चूंकि आज अगर आपने सुबह के अखबार देखे हो तो शायद 8.4 का जो प्राइस है वो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लोग 7.5 से 8 की बात कर रहे हैं, तो उसका भी जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आप देखेंगे। कुल मिला के रिलायंस में फ्यूचरिस्टिक अजम्पशंस ज्यादा बिल्ट इन है एज कम्पेयर टू ONGC, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन बॉटम आउट कर गई है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत हद तक चूंकि ENP पे, रिफाइनिंग पे और पेट्रोकेमिकल पे आधारित हैं और वो साइकिल ठीक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में करीब आप 10-11% का ग्रोथ देख सकते हैं। परफेक्ट, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर अब आना चाहूंगा हेमांगम, कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स नतीजों के पहले, अगर कोई स्टॉक्स आपको लगता है सेंसेक्स निफ्टी के जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जिनके नंबर्स कमजोर आने वाले, अभी भी प्राइस में पूरी तरह से डिस्काउंटेड नहीं है, जहां पर बेचकर निकल जाने की राय देंगे, ऐसे कोई स्टॉक्स आपके रडार पर? देखिए, हम समझते हैं कि ITC और ICICI बैंक, ये जो दो स्टॉक है, यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर्स है काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, और हम समझते हैं कि क्योंकि ICICI बैंक जो है वो काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है पिछले एक आध महीने के अंदर, तो इसके अंदर हम समझते हैं कि नतीजों को ध्यान में लेते हुए एक लॉन्ग पोजिशन हम बना सकते हैं। एट द सेम टाइम भारती का जो एक स्टॉक है, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ओवरऑल जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक रहेगी, रूपी के कारण भी हम समझते हैं कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, तो भारती में हम समझते हैं कि एक नेगेटिव रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। तो तीन दिग्गजों में से दो में खरीदारी की राय ITC और ICICI बैंक, और वहीं भारती पर अगर आप चाहें तो एक बार शॉर्ट कॉल या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फनी, आपके लिए भी यही सवाल, किन स्टॉक्स पर एक्शन करना चाहिए नतीजों के पहले? देखिए, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेस मुझे दिख रहा है कि जहां पे कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्ट इन है, और उसके बाद PSU बैंक्स में ऐसी ऑप्टिमिज्म है कि जिसका कि रियल इकोनॉमी के साथ कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो वहां पे आप जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे खरीदारी जरूर बन सकती है, अगर अब से लेकर अगले 5-10 दिनों में मौका मिलता है तो। एंड अलॉन्ग विद दैट, मुझे लगता है कि IT एक लार्ज कैप IT एक ऐसा स्पेस होगा जो कि जनरली इस एनवायरमेंट के अंदर अच्छा करेगा। एक और स्पेस, उस पर राय लेना चाहता हूं हेमांग आपसे जाने से पहले, वो है मेटल्स की। किस तरह की परफॉर्मेंस मेटल कंपनियों से आने की उम्मीद आप करेंगे? देखिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट तो काफ़ी निराशाजनक है, और पर्टिकुलरली टाटा स्टील के लिए ये नतीजे काफ़ी निराशाजनक रहेंगे, पर हिंडाल्को में क्योंकि कुछ कुछ जगह पे जो लैंडेड कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसका थोड़ा बेनिफिट हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है, तो हम थोड़े हिंडाल्को में पॉजिटिव है और टाटा स्टील में नेगेटिव है।
तो यहाँ पर हिंडालको पर थोड़ा सा एक्शन पॉजिटिव साइड पर हो सकता है, लेकिन कुछ छोटे सेक्टर्स खासतौर से शुगर के हुए या टेक्सटाइल के, क्या यहाँ पर किसी तरह की बेहतर परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है? फनी, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, बॉम्ब आउट सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा तवज्जो सर्वाइवल की होगी ना कि ग्रोथ की। बिल्कुल। तो यहाँ पे जरूर टेक्सटाइल के अंदर एक उम्मीद बन सकती है कि भाई रुपी डेप्रिसिएशन के कारण शायद इनको फायदा मिले, पर मुझे नहीं लगता हो पाएगा वो। जहां तक टेक्सटाइल के अगर आप डेवलपमेंट्स देखें तो एक टफ को वापस लाने की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि जरूर आपको एक नियर टर्म फिलिप मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर नतीजों के सीजन में जो शुरुआत अब होने वाली है अगले हफ्ते से, उनमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि रुपए की कमजोरी का थोड़ा फायदा आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल कंपनियां, टेक्सटाइल और इसी तरह की कंपनियां जो एक्सपोर्ट के कारोबार में, उन्हें थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद कमजोर नतीजों का सिलसिला जारी रहेगा। कई इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और इस तरह की कारोबार करने वाली कंपनियां, पीएसयू बैंक्स, टेलीकॉम, ये आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। नतीजों के पहले अगर आप एक्शन लेना चाहें तो हेमांग की राय है कि आईटीसी और आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गजों में खरीदारी का मौका है, वहीं भारतीय एयरटेल में आप कर सकते हैं प्रॉफिट बुक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी स्टॉक्स पसंद है यहाँ पर फणी को, नतीजों के पहले यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। ऑटो सेक्टर ने पिछली बार नतीजे ठीक दिए थे, काफी स्टॉक भागे थे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन अब काफी बन गई, तो ऐसे में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर निकल जाना चाहिए। और पीएसयू बैंक्स भी इस बार फिर से निराश करेंगे, तो वहां पर भी बिकवाली की राय है। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का, राहुल पृथ्वी, हेमांग जानी और साथ ही पी फणीशेखर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए इस खास चर्चा में अपनी राय देने के लिए। और इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। We'll be right back.